हेलो वेलकम टू क्वेश्चन, कैसे आप? तो देखिए, हमने कैलेंडर प्रॉब्लम्स की थ्योरी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी, जहाँ पे हमने कैलेंडर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हमने एक बार अच्छे से डिस्कस कर ली थी कि कैसे हम ऑड नंबर्स निकालते हैं। सी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके पास डील करेंगे वो इन ऑड डेज से रिलेटेड ही डील करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज, अगर मैं लीप ईयर में लेता हूँ तो हमेशा दो दिन ऑड होते हैं, और एक ऑर्डिनरी ईयर अगर होगा तो उसमें एक दिन ऑड होता है। उसके अलावा अगर किसी भी कैलकुलेशन में अगर मान लीजिए एक दिन ऑड आता है, मतलब वो दिन मंडे होगा। अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन करने में दो दिन ऑड आते हैं ओवरऑल मिला के, तो वो ट्यूसडे होगा। तो ऐसे हमने क्या किया है कि अगर ऑड डेज जीरो आते हैं तो संडे, नंबर ऑफ ऑड डेज हमने यहाँ लिख दिए हैं। मतलब उसका मतलब अगर मान लो कल को कोई भी कैलकुलेशन करते समय नंबर ऑफ ऑड डेज अगर फाइव आते हैं, इसका मतलब वो डे फ्राइडे हुआ होगा। इसके अलावा जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं, तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फाइव, ये पॉइंट्स मैक्सिमम यूज होने वाले हैं जब भी आपको ये न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड, कैलेंडर प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्व करोगे। अब मैंने यहाँ पे पांच टिपिकल न्यूमेरिकल्स को लिया हुआ, पांच टिपिकल चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या था, वॉट वॉज द डे ऑफ वीक ऑन 17 अक्टूबर 1991 में कौन सा दिन था, वो मंडे ट्यूजडे फ्राइडे में क्या था? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन कभी भी अगर पूछे जाए तो आपको ये पता करना है कि 17 अक्टूबर 1991 तक हमारे पास टोटल मिलाकर ऑड डे कितने हैं। अगर ऑड डे, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आएगा, जो भी ऑड डे का नंबर आएगा, मतलब वो यहाँ से अकॉर्डिंगली, ये जो आपको बॉक्स बनाया हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब हमने यहाँ पे आपको एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था कि 1900 ईयर तक अगर आप कैलकुलेशन करो, जिसमें 1600 तक प्लस 300 तक कुल मिला के हमारे पास एक दिन ऑड आता है, तो 19th सेंचुरी तक, मैंने आपसे कहा था ये न्यूमेरिकल यूज़ करते समय ये वाला जो चीज़ है बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो 19th सेंचुरी से डील करेंगे। हम अभी 2023 में रह रहे हैं, या 2020 आप जब भी मुझे देख रहे हो, ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन 19th सेंचुरी से डील करेंगे। तो 19th सेंचुरी तक एक दिन हमारे पास ऑड होता है, आप चेन कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो यहाँ पर 1900 तक हमारे पास एक दिन ऑड हो गया। फिर 1900 से लेके 1990 तक, क्योंकि हमको 91 में 17 अक्टूबर 1991 में तो पता करना है, तो हम 1990 तक हमारे पास 90 साल होते हैं, वी हैव 90 ईयर्स। अब इस 90 ईयर्स में लीप ईयर्स कितने होंगे? भाई लीप ईयर्स तो वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 4 होते हैं, जो 4 से डिविजिबल हो जाएं। तो अगर आप देखो तो 4 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँ तो 844 आता है, ठीक है, यानी अगर 22 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो हमारे पास 88 आता है। तो 88 ईयर जो होगा, यानी 1988 जो हमारे पास हुआ होगा, वो हमारा एक लीप ईयर हुआ होगा। 88 के बाद अगर आप देखो तो और 4 साल ऐड कर लो, 88 के बाद 90, 91, 92, 93 वाला हमारा लीप ईयर हुआ होगा, बट हमको वो काउंट नहीं, 88 के बाद 89, 90, 91, 92 हमारा लीप ईयर हुआ होगा, 92 विल बी अ लीप ईयर, बट हमको तो सिर्फ 1991 तक पूछा गया। तो हमको करना क्या है कि आपको जो एक साल पहले है, यानी 1990 तक है, कितने लीप ईयर्स हैं वो पता करने। तो 90 साल के ड्यूरेशन में, क्योंकि 1990 तक एक दिन ऑड है, उस 90 ईयर्स के ड्यूरेशन में हमारे पास 22 लीप ईयर निकलते हैं। तो 90 ईयर्स में से अगर 22 लीप ईयर कैसे निकाला, मैंने डिविजिबल बाय 4 किया। आप अगर 90 को यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हो तो जो क्लोजेस्ट नंबर आएगा वो 22 आएगा, दैट विल बी 88, और आपके पास आंसर निकल के आएगा, आपके पास यहाँ पे दो साल बच जाएंगे। तो क्लोजेस्ट नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, 88 आ रहा है, यानी 22 साल हमारे पास जो होंगे वो लीप ईयर होंगे, और बचे हुए 68 ईयर ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। अब मुझे बात दो, लीप ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं? दो दिन ऑड होते हैं, ये भी हम लोगों ने लास्ट इसमें डिस्कस किया पॉइंट में, दो दिन ऑड होते हैं। तो आपके पास 22 साल मतलब कितने, 22 लीप ईयर मतलब कितने ऑड डे, 44 ऑड डे, और 68 ऑर्डिनरी ईयर्स का मतलब 68 ऑड डेज, इन टोटलों को, इन 44 प्लस 68 करो तो 112 ऑड डे आता है, दैट इज इक्वल टू 0 ऑड डे। आप बोलोगे ऐसे कैसे, क्योंकि 16 वीक्स होते हैं। अगर कोई भी चीज़ डिविजिबल बाय 7 हो जाती है, यानी उसमें उतने हफ्ते हैं। अब 112 को आप अगर 7 से डिवाइड करो, 112 को अगर आप 7 से डिवाइड करो, आंसर 16 निकल के आता है, यानी मेरे पास जो 112 ऑड डे बनते हैं इस 90 ईयर्स के गैप में, मतलब हमारे पास 0 ऑड डे हो जाते हैं, यहाँ पे 16 वीक कवर अप हो जाते हैं। तो 1990 तक तो मेरे पास अब एक भी ऑड डे नहीं है। अब बात आती है 91 में। अब 91 यानी जिस साल की आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, 17 अक्टूबर 1991 में, अब अक्टूबर तक हमको कैलकुलेट करना है कि कितने ऑड डे हैं। तो देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक हम पहले कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 17 तारीख तो अक्टूबर की है हमारे पास। तो सितंबर तक
नंबर ऑफ ऑड डेज जब हमने कैलकुलेट किया तो हमको समझ में आया 3 1991 जो है वो एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो फरवरी में जीरो हो जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओवरऑल इनको ऐड किया तो हमारे पास 21 डेज निकल के आते हैं। अब 21 डेज वापस से 3 वीक्स हो जाते हैं, 7 3 21, तो 3 वीक्स हो गए तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, जीरो ऑड डे हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। मतलब हमारे पास सेप्टेम्बर 1991 तक एक भी ऑड डे नहीं आ रहा है। तो अब सारे ऑड डेज किस में निकल के आएंगे, अक्टूबर में आएंगे। हमको 17th अक्टूबर तक पता करना है, हमको कहाँ तक पता करना है, 17। तो फर्स्ट से लेके 17th अक्टूबर तक हमारे पास अगर आप देखो 14 तक, 7 और 7 14, 15 16 17, 3 दिन हमारे पास ऑड बचते हैं, 3 दिन। मतलब फर्स्ट सेप्टेम्बर अक्टूबर से लेके 17th अक्टूबर तक 3 दिन ऑड डे आते हैं। और अगर टोटल नंबर, अच्छा यहाँ पे 3 दिन आते हैं और 1900 सेंचुरी का जो एक ऑड डे था जो हमने कैलकुलेशन में मिस किया है, अभी तक हमने अभी तक सारा ये 90 ईयर्स के गैप का मैं कैलकुलेट किया, 1991 में सेप्टेम्बर तक का कैलकुलेट किया, यहाँ पर ओवरऑल मिला के सब कुछ जीरो आया, लेकिन 19th सेंचुरी तक हमारे पास एक ऑड डे बच रहा था। उस एक ऑड डे को, और अगर आप इस 17th अक्टूबर तक के 3 ऑड डे को ऐड करो तो हमारे पास 4 ऑड डे आते हैं। 4 ऑड डे आना मतलब चौथा दिन मतलब आपका वो थर्सडे हुआ होगा। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में। 19th सेंचुरी तक तो एक दिन ऑड होता है, उसके बाद जितने भी साल दिए होंगे उन साल में देखो 4 के डिविजिबल में कितने ईयर्स हमारे पास आते हैं, या मल्टीपल्स में आप ऐसे समझो। तो 90 ईयर्स के गैप में 22 साल हमको ऐसे लीप ईयर मिलेंगे, क्योंकि 22 × 4 जो होगा वो 88 निकल के आता है और हमें 90 ईयर्स तक जाना है। 68 ऑर्डिनरी ईयर्स मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज ऐड करो, जिस साल की आप बात कर रहे हो वहाँ से जिस मंथ तक आपको निकालना है उसके एक महीने पहले तक सारे ऑड डेज कैलकुलेट करो, देखो कितने ऑड डेज बचते हैं, और फिर जिस तारीख तक आपको निकालना है उस महीने की फर्स्ट तारीख से लेके उस तारीख तक कितने ऑड डे बचते हैं वो कैलकुलेट करो। अब ओवरऑल पता करो कितने ऑड डे निकल कर आते हैं। ऑड डे का जो नंबर्स होगा उसमें से डिविजिबल बाय 7 अगर कुछ होता है तो उसको हटा दो, बचे हुए नंबर्स को निकालो, आपको वहां से पता चल जाएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस 76th डे फ्रॉम टुडे, यानी आज अगर वेनेसडे है, विल बी आज से अगर 76 डेज होगा, 76th डे विल बी क्या, कौन सा दिन होगा। देखो एक चीज तो मुझे पता है कि अगर आज मान लो 1 तारीख है और आज अगर मंडे है तो 1 2 3 4 5 6 जो 7वां दिन होगा वो फिर से मंडे होगा, यानी हर 7 दिन के बाद मेरी साइकिल रिपीट होती है। तो अगर मेरा आज का दिन वेनेसडे है तो आज से 7 दिन बाद फिर से वेनेसडे होगा, 14 दिन के बाद फिर से वेनेसडे होगा, 21 दिन के बाद फिर से वेनेसडे होगा, ऐसे अगर 28 दिन के बाद फिर से वेनेसडे होगा। आप चेक करो कि जब आप 76th डे की बात कर रहे हो तो 77th डे विल ऑल्सो, अब अगर इसका डिविजिबल बाय देखो तो 77 को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर 11 आता। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो अगर हर 7 दिन के बाद, जैसे 7 7 7 10 जा तो 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, ऐसे करते करते अगर आप देखो 70 तक जाओगे, 7 10 70, फिर 77 तक जाओगे, मतलब 77th डे जो हुआ होगा आज के बाद वो मेरा वेनेसडे हुआ होगा, क्योंकि आज से अगर आज जीरो है तो 7वां दिन फिर से क्या होगा, वेनेसडे, 14th डे फिर से वेनेसडे, 7 डेज के बाद साइकिल रिपीट होती है। तो 77th डे मेरा क्या हुआ होगा, वेनेसडे, पर हमको 77th नहीं पूछा है, 76th डे पूछा है। तो ऑब्वियसली बात है अगर 77th डे वेनेसडे हुआ है तो उससे एक दिन पहले की अगर आप बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, तो 76th डे जो होगा मेरा वो मेरा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे। आई होप गॉट माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 21st June 2016 इज ट्यूसडे, 2016 का 21st जून जो था वो ट्यूसडे था। व्हाट वाज द डे ऑन 21st June 2015, 2001 साल के एग्जैक्टली बाद, एक साल के एग्जैक्टली बाद आपका दिन कौन सा होगा। तो एक चीज यहाँ गौर करो, 2016 जो है वो एक लीप ईयर है, 2016 इज अ लीप ईयर। 21st June 2016, 21st June 2015, तो 2015 जून से लेके 2016 जून के बीच में कितने ऑड डेज आते हैं पहले तो पता। तो जून 2015, ये देखो ये जून 2016 उन्होंने ट्यूसडे कहा है, 16 2016 को 21 जून को ट्यूसडे है। अगर आप रिवर्स मारने की कोशिश करो, रिटर्न जाओ, क्योंकि आपसे पूछा गया 2015 में क्या होगा, व्हाट विल बी इन 2015, तो जून से पहले, और ये जून का महीना जो है, ये जून का, ये जो 2016 का साल है वो एक लीप ईयर है। देखो वैसे एक ऑर्डिनरी साल में
वैसे एक ऑर्डिनरी साल में एक दिन ऑड होता है, एक दिन ऑड होता है, लेकिन 2015 जून से लेके 2016 जून के बीच में दो ऑड डेज आएंगे, क्योंकि फरवरी जो है ना वो फरवरी पड़ रहा है, जो कि फरवरी 28 दिन की जगह 29 डेज का हो जाए। तो 2015 जून से लेके 2016 जून तक, 2016 जून तक हमारे पास दो ऑड डे आते हैं। अगर दो ऑड डे आते हैं मतलब अगर आज ट्यूसडे हुआ होगा तो 2015 जो हुआ होगा वो दो दिन पहले हुआ होगा। देखो अगर दो डेट्स के बीच में नंबर ऑफ ऑड डे जीरो होता तो दोनों का डे सेम होगा। अगर इसके बीच में अगर 21 जून 2016 एक ट्यूसडे है और उससे लेके अगर 21 जून 2015 तक जीरो ऑड डेज आएगा, मतलब डिविजिबल बाय सेवन कंप्लीट फिगर्स आएगा, तो आपका वो सेम डे हो। यहाँ पर आपका दो दिन का डिफरेंस आ रहा है, 2015 जून 21 जून 2015 और 26 जून 2015 के बीच में आपके पास दो दिन का गैप आ रहा है, बिकॉज फरवरी 2016 इज अ लीप ईयर, जिसकी वजह से एक दिन एक्स्ट्रा, वरना हमारे पास एक ही दिन ऑड होता। आपको पता एक साल में, एक ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन ऑड होता है, लेकिन अगर बीच में वो लीप ईयर होगा तो दो दिन ऑड होता है। ये दो दिन ऑड होने की वजह से आपको यहाँ पर दो दिन रिवर्स जाना पड़ेगा। तो हमारा जून 2015 को संडे हुआ होगा और जून 2016 को ट्यूजडे हुआ होगा। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया, कुछ हद तक ये क्वेश्चन समझ में आया। तो तीन क्वेश्चन क्लियर है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन, लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे क्या नहीं हो सकता। अब देखो हमने ये लॉजिक पढ़ा था, 100 साल के अंदर 5 ऑड डेज होते हैं। अगर आपको मेरी थ्योरी वीडियोस आपने देखा होगा तो मैंने आपको ये 100 ईयर्स का कैलकुलेशन करके बताया था, 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे, 24 लीप ईयर होंगे, 100 ईयर जो होगा वो एक लीप ईयर नहीं होता, 100th ईयर इस हिसाब से हमारे पास, अगर 100 ईयर भी लीप ईयर होता तो ये 25 डेज हो जाते, 24 ईयर्स हो जाते, 24 और 76 यानी यहाँ पे हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर 48 हो जाएंगे, 48 डेज ऑर्डिनरी हैं, 76 डेज ऑड डेज हैं यहाँ पे, ये ऑड डेज यहाँ से, ऑड डेज यहाँ से, ये ऑर्डिनरी से आया, ये लीप से आया, दोनों को अगर ऐड करूँ तो 124 ऑड डेज निकलते हैं। 124 ऑड डे का मतलब होता है 17 वीक एंड 5 ऑड डे, एक्चुअली में 5 ऑड। तो 100 साल में हमारे पास 5 ऑड डे होते हैं, 200 साल में 10 ऑड डेज, जिसमें से 7 हटा दो वो एक वीक बना लेते हैं तो 3 ऑड डे होते हैं, 300 साल में 15 ऑड डे होंगे, 15 में से आप 2 हफ्ते हटा लो 14 हटा लो तो 15 में 14 हटा लो 1 ऑड डे बचेगा, 400 साल में हमारे पास वैसे तो 20 दिन होने चाहिए लेकिन 400th ईयर एक लीप ईयर होता है, हर 400 साल जो होता है वो एक लीप ईयर होता है, तो एक दिन उसमें ऐड हो जाएगा लीप ईयर का, क्योंकि हम लोग ने तक ऑर्डिनरी ईयर लीप ईयर अगर कहीं पर भी एक एक्स्ट्रा आता तो एक दिन ऐड हो जाता, तो 21 दिन हो गए, 21 दिन का मतलब 3 हफ्ते हो गए, 0 ऑड डे, तो हर 400 साल के बाद साइकिल रिपीट होती है, 0 ऑड डे हो जाता है, थ्योरी में मैंने आपको समझाया था। अब यहाँ मुझे एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, अगर मेरा 100 ईयर यानी 5 ऑड डे, तो 5th ऑड डे का मतलब कौन सा होगा, फ्राइडे होगा, तो उस सेंचुरी का लास्ट डे जो होगा वो फ्राइडे हो सकता है। 200 साल के एंड में हमारे पास सिर्फ 3 ऑड डे बचेंगे, जो लास्ट ईयर लास्ट दिन होगा ना 200 साल के बाद वो 3rd ऑड डे होगा, मतलब वो वेनेसडे होगा। 300 साल के लास्ट में एक ही ऑड डे बचेगा, एक ऑड डे बचेगा वो मंडे होगा, और 400 साल के बाद में एक भी ऑड डे नहीं होगा, यानी जीरो हो गया, जीरो ऑड डे का मतलब होता है लास्ट डे ऑफ द 4th सेंचुरी विल बी अ संडे। तो संडे मंडे वेनेसडे फ्राइडे, संडे मंडे वेनेसडे फ्राइडे, ये 4 ही दिन हो सकते हैं लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। कभी ट्यूसडे लास्ट डे नहीं होगा, कभी थर्सडे लास्ट डे नहीं होगा, और सैटरडे कभी लास्ट डे नहीं होगा किसी भी सेंचुरी का। तो विच कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, इट विल बी ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। हर 100 साल के बाद अगर आप देखो तो या तो फ्राइडे वेनेसडे मंडे या संडे होगा, और 400 साल के बाद फिर से साइकिल रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, फिर जो 500 ईयर होगा वो फिर से फ्राइडे हो जाएगा, 600 ईयर फिर से वेनेसडे हो जाएगा, 700 ईयर फिर से मंडे हो जाएगा, और 800 ईयर फिर से संडे हो जाएगा। आई होप लॉजिक समझ। अब लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं यहां पे, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं ले सकता था और बहुत सारे। लास्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर फॉर द ईयर 2015 विल बी सेम फॉर द ईयर, किस साल के लिए, ये लास्ट नहीं होगा, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूंगा, ये इंडिपेंडेंस डे वाला क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। चलो ये सेकंड लास्ट समझ लीजिए, 2015 का जो कैलेंडर होगा वो किस ईयर के बराबर होगा, किसके जैसा होगा, 2016 2020 2026 2027। तो देखो दो कैलेंडर्स को अगर सेम होना है, एक साल का दो कैलेंडर सेम अगर होना है तो उसकी सबसे बड़ी कंडीशन होती है देयर शुड बी जीरो ऑड डेज बिटवीन देम।
अगर जीरो ऑड डेज होते हैं, तो यानी अगर मैं कोई एक ईयर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 2015 लेता हूँ, फिर अगला जो भी मैं साल मैं देखूंगा उसके बीच में और उसके बीच में जीरो ऑड डेज होना चाहिए। अगर ऑड डेज जीरो होगा तो इसका मतलब हो गया वो कैलेंडर हमेशा क्या रहेगा, सेम टू सेम नेक्स्ट उस साल का कैलेंडर ही बनेगा। तो देखो 2015 में एक दिन ऑड होगा, पहले तो लीप ईयर कैलकुलेट करो, 2016 लीप ईयर होगा, 2020 लीप ईयर होगा, 2024 लीप ईयर होगा, मैंने इसको स्क्वायर में डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया। लीप ईयर मतलब दो एक्स्ट्रा डेज, लीप ईयर मतलब दो ऑड डेज, दो ऑड डेज। अब हमारे पास 2027 तक का इन्होंने ऑप्शंस में दिया हुआ है, ठीक है, 2026 2027। तो एक काम करते हैं 2025 तक ले लेते हैं पहले। तो ये कैलकुलेट करने की हम कोशिश करेंगे कि 2015 में एक ऑड डे है, कब जाकर नंबर ऑफ ऑड डेज जीरो हो जाएगा, यानी वो सेवन के मल्टीपल। देखो 2016 में दो दिन हो गए, ऑड डे 2+1 3 हो गया, 2017 में एक ऑड डे होता है, 3 3 4 ऑड डेज हो गए, 2018 में एक और ऐड डे ऐड हो जाएगा ऑड डे, तो 2 3 4 5 5 हो गए, यहाँ तक 5 हो गए, एक और ऐड हो जाएगा 2019 में, 6 हो जाएंगे। 2020 अगर एक नॉन लीप ईयर होता तो वहाँ एक दिन आता, तो वहाँ 7 दिन हो जाते, और जैसे ही 7 दिन हो जाएंगे एक हफ्ता बन जाता, तो नंबर ऑफ ऑड डेज जीरो हो जाता, तो 2020 का कैलेंडर और 2015 का कैलेंडर सेम हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2020 हमारा एक लीप ईयर है, तो यहाँ पे 2 दिन ऐड हो जाते हैं, तो 1+2 3 4 5 6 7 8 2020 में आती 8 ऑड डे बन जाते हैं, मतलब इसमें से 7 दिन अगर मैं हटा लूँ तो भी एक ऑड डे बचता है। तो 2020 का कैलेंडर 2015 का कैलेंडर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास कितने ऑड डे हो गए, 8। 2021 में फिर से एक दिन ऐड हो जाएगा, 9 हो गए, एक दिन 10, एक दिन 11, यहाँ 2 दिन ऐड हो जाते हैं। तो 2024 में 2 दिन ऐड होते ही ये कितने हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि वो लीप ईयर। 2025 में ऐड होते ही वो फिर से एक दिन होते ही 14, यानी 2025 तक आते आते 2025 तक आते आते आपके नंबर ऑफ ऑड डेज यहाँ पर 14 दिन हो जाते हैं 2015 से लेके 2025 के बीच में। 2020 में एक मौका मिला था 7 दिन होने का, अगर वो 7 दिन हो जाते तो हमारी यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो जाती, 2021 का जो साल होता वो 2015 जैसा होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अगर एक दिन होता तब वो सिचुएशन होती, यहाँ हमारे पास 2 दिन है, ऑड डे है, 2 ऑड डे है, इसीलिए यहाँ पर वो 7 होने की जगह 8 हो गई। तो 2024-25 तक हमारे पास 2015 और 2025 के बीच में 14 दिन और होते हैं, 14 दिन का मतलब 2 हफ्ते हो गए, यानी 0 ऑड डे। तो 2026 अब जो निकल के आएगा इसके बाद, 2026 जो आएगा वो एग्जैक्टली 2015 के जैसा होगा। तो 2015 के बाद, अब अभी आप देख लेना, आप अगर आप मुझे 2023 में सुन रहे हो तो आप 2015 का कैलेंडर निकालो और 2026 का कैलेंडर निकालो, और हर महीने की पहली तारीख, जनवरी की पहली तारीख जिस दिन 2015 में आई थी, वही पहली तारीख 2026 में आएगी, 1 जनवरी। आप कोई भी महीना निकाल लेना 2015 का और 2026 का, आपको दोनों कैलेंडर एक जैसा यूज़ करेंगे। तो घर में अगर 2015 का कैलेंडर पड़ा होगा, आप उसके ऊपर 2026 की तारीख डाल के यूज़ कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, तो सेम कैलेंडर होगा। तो 2026 विल बी सेम एज 2015। आई होप लॉजिक सिमिलर। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन इंडिपेंडेंस। ये भी क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया अगर 15 अगस्त 1947 में अगर आपसे पूछे उस दिन कौन सा दिन था, तो देखो 1900 सेंचुरी तक तो एक ऑड डे हो गया, सेम लॉजिक लगाएंगे। 44 तक, क्योंकि 47 पूछा है ना, तो 47 से पहले 44 जो है वो एक लीप ईयर है, 44 जो है वो हमारा एक लीप ईयर है। तो 44 तक 11 लीप ईयर होते हैं और 33 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं 44 तक, क्योंकि 44 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 1944 इज डिविजिबल बाय 4, तो 1944 खुद एक लीप ईयर हुआ होगा, ठीक है। तो 11 लीप ईयर होंगे और 33 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। अब 11 लीप ईयर का मतलब 22 ऑड डे, 33 ऑर्डिनरी ईयर्स का मतलब 33 ऑड डे, कुल मिलाकर मेरे पास 55 ऑड डे हो गए हैं 44 तक, 1944 तक 55 ऑड डे हो गए हैं, प्लस एक ये वाला ऑड डे 56 ऑड डे हमारे पास हो गए, ठीक है। ये 55 को मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पे इसको एक बॉक्स बना, फिर 45-46 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, तो यहाँ के 2 ऑड डे और ऐड हो जाएंगे, ये भी 2 ऐड डे हो। 1947 में अगर आप देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि अगस्त की तो 15 तारीख तक हमें निकालना ही है, तो जून जुलाई तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑड डे निकल के आते हैं। फिर अगस्त के महीने में अगर आप देखो तो 15 तारीख दी हुई है, पर 14 तारीख तक तो 2 हफ्ते बन जाते हैं, 7 और 7 14, एक ऑड डे बचता है, तो अगस्त का एक ऑड डे बचता है। ऑड डे, अब कुल बताओ कितने ऑड डे हो गए,
तो 55 + 2, 55 + 2 प्लस ये हमारे 10 हो गए, ये हमारे 10 हो गए, और प्लस हमारा एक और डे हो गया। यहाँ पर हम एक और डे नहीं लेंगे, अगस्त का नहीं लेंगे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त को तो हम पूछ ही रहे हैं, 15 अगस्त का तो हम पूछ ही रहे हैं, तो उससे पहले 14 दिन होते हैं, 14 दिन का मतलब अगस्त में टिल 14th डे, 14th अगस्त हमारे पास 0 और डे बचेंगे, 0 और डे बचेंगे, क्योंकि 14 का मतलब होता है 7 और 7 14, 7 के मल्टीपल्स में जा रहा है वो, या डिविजिबल में जा रहा है, इसका मतलब अगस्त में तो हमारे पास एक भी ऑड डे नहीं है, 15th को तो हमने पूछा ये क्या है, तो 15th अगस्त तक हमारे पास 10 दिन यहाँ ऑड डे बचते हैं, 2 दिन यहाँ बचते हैं, 55 यहाँ पर और 1 दिन यहाँ पर, तो ओवरऑल अगर मैं ऐड करके देखूँ मेरे पास 55 + 2 + 10 + 1 68 ऑड डे आते हैं। अब 68 ऑड डे में से अगर फिर से मैं 7 के डिविजिबल्स में देखूँ तो 63 आंसर निकल के आता, दैट इज 9 वीक्स, 9 7 63, ठीक है, तो 9 हफ्ते तो यहाँ निकल के बचते हैं, 5 दिन, 5 दिन ऑड बचते हैं, और 5 दिन अगर ऑड बचेंगे तो उसका मतलब वो फ्राइडे होता है। तो याद रखना, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया जिस दिन मनाया जाता है, 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब फ्राइडे था, ये आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं हुआ, आप सब अगर मुझे देख रहे हो तो आप 90s के किड हो गए, आई होप ऐसा। बचपन में ना हमारे पास ऐसे बुक फोर A4 साइज की बुक आती थी, उसके पीछे दिया होता था, आप किस अपने साल का आप किसी का भी बर्थ डेट का डे पता कर सकते थे कौन सा था। तो वो जो हम कैलकुलेशंस करते थे ना बचपन में, वो यही सारे कैलकुलेशंस हुआ करते थे, हमको समय बड़ा मैजिक लगता था यार, ओ वाओ कैसे हम लोग नंबर्स के साथ खेल के हमने कैसे निकाल लिया, वो सारा यही कैलकुलेशन हुआ करता था। वो लोग ऑड डेज कैलकुलेट करते थे, नंबर्स पुट अप करते थे, उसके बाद आपको पता करना होता था कि कितने ऑड डेज ठहरे हैं, जितने ऑड डेज बचेंगे उस हिसाब से फिर आपको डे बता देते थे कि वो मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, संडे होगा, फ्राइडे होगा। तो ये 6 क्वेश्चन से आई होप कैलेंडर प्रॉब्लम्स के मैं सारे मतलब कि यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पहले CSIR नेट में पूछे जाते थे, गेट में भी पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन CUET में भी पूछे जा सकते हैं, या किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप जिसकी तैयारी कर रहे हो जिसमें एप्टीट्यूड आता है, ये सारे क्वेश्चन कैलेंडर के यही टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, इनके आंसर्स नीचे दिए हुए हैं, आप इन क्वेश्चन को ले सकते हो और आराम से बैठ के जितनी भी अब तक मैंने नॉलेज आपको जितना भी मैंने आपको कॉन्टेंट पढ़ाया है, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया 15 अगस्त वाला, ठीक है, 1947 का ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अब बाकी के क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एक दिन छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा बर्थडे आता है 30th अक्टूबर 1992, आपको मुझे बताना है उस दिन कौन सा साल हुआ होगा, ये आपका क्वेश्चन, आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे मेरा बर्थडे 30th अक्टूबर 1992 को आता है उस दिन कौन सा दिन हुआ होगा, ये आपका क्वेश्चन है, क्योंकि पहला क्वेश्चन अब मैंने यहाँ देखा 3rd अक्टूबर 1992 से था, तो जब आप 3rd अक्टूबर निकाल ही रहे हो तो 30 अक्टूबर भी निकालो, तो एटलीस्ट मुझे भी पता चल जाए, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, उम्मीद करता हूँ इससे आपको कैलेंडर प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम क्लॉक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, द नेक्स्ट वीडियो विल बी क्लॉक प्रॉब्लम। मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में थ्योरी और आपका न्यूमेरिकल सारे एक साथ ले लूँ, तो एक सिंगल वीडियो में वो कवर, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।